अलीयन वलीउल्ला कहने वाला एक बच्चा धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज करता है कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री 5 सवाल के जवाब उनके सामने सवाल रख दिए जाएं तो जवाब नहीं दे पाएंगे, बाबागिरी उनकी छुड़वा देंगे वो बच्चा। मौला अली के बारे में हमने जितना पढ़ा समझा वो अहिंसा के पुजारी है। इस वीडियो को मौला अली से जोड़ा जो चूंकि दुष्प्रचार है, और इसके लिए अगर किसी को दुख पहुंचा हमें खेद है, मन में हमारी भी भावनाएं दुखित हैं, हमको भी दुख हुआ। इस प्रकार से नहीं जोड़ना चाहिए, उनके भगवान भी उनके लिए सर्वोपरि है, इसमें कोई संदेह नहीं। उसके लिए अगर किसी को ऐसा लगता तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, कथावाचक बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई। अपने बड़बोलेपन से प्रख्यात बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने इस बार बड़ी गलती कर दी और हजरत अली शेरे खुदा पर टिप्पणी कर फंस गया। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ दी गई थाने में तहरीर, जल्द होगा मुकदमा दर्ज। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री अपने बड़बोलेपन के कारण मुसीबत में फंसने जा रहा है। मौला अली पर विवादित बयान देने के आरोप के चलते मुस्लिम धर्मगुरुओं ने थाने में तहरीर दी है। आपको बता दें कि शुक्रवार यानी अलविदा के दिन सिया चांद कमेटी अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ चौक कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की अपील की है। कोतवाली में दी गई तहरीर में मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने बताया कि धीरेन्द्र शास्त्री ने सिया सुन्नी मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुँचाई है। कोतवाली में दी गई तहरीर में मौलाना नकवी ने आरोप लगाया है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने सिर्फ सिया सुन्नी मुसलमानों की ही नहीं बल्कि हिंदू समुदाय की भावनाओं को भी आहत किया है। मौलाना नकवी ने बताया कि मौला अली से हर धर्म, हर वर्ग और हर राजनीतिक दल के लोग श्रद्धा रखते हैं। कि एक व्यक्ति है धीरेन्द्र शास्त्री जो अपने को बाबा कहता है, हालांकि हमारे हिंदू धर्म के जो महापुरुष हैं और जो बड़े बड़े धर्मगुरु हैं उन्होंने उसको पाखंडी कहा है। उसने कुछ रोज पहले तमाम दुनिया के इंसानों की आस्था को ठेस पहुंचाई है हजरत अली की शान में गुस्ताखी करके। हजरत अली की ज़ात के लिए मैं ये बता दूं आपसे कि हजरत अली कौन हैं। वो इस्लाम के वो अहम रुकन हैं कि अगर उनको इस्लाम से हटाइए तो इस्लाम में कुछ नहीं रहता है। उनका सम्मान हमारे मुरारी बापू करते हैं, जब अपने प्रवचन शुरू करते हैं तो अली अली मौला कहते हैं। ये हैं हजरत अली, इतनी बड़े बड़े हिंदू कितना उनका सम्मान करते हैं ये आपको सब मिल जाएगा। तो उनकी शान में इन्होंने गुस्ताखी की, तो मैं आज यहाँ चौक कोतवाली आया था और मैंने तहरीर दी। चूंकि हमारे मुल्क में संविधान है और मुल्क के अंदर कोई भी अगर व्यक्ति किसी भी दूसरे धर्म की मानने वाले की आस्था को ठेस पहुँचाता है तो 153A और 295A ये दो धाराएँ ऐसी हैं जिसके ऊपर मुकदमा होता है। मैंने उन धाराओं के तहत मुकदमा करने की डिमांड की है, हमारी तहरीर को ले लिया गया है और कहा गया इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हमने रिसीविंग ले ली है, चूंकि बहरहाल आज अलविदा है, रिसीविंग ले ली है और रिसीविंग लेकर अब यहाँ से जा रहे हैं। अगर उसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता, कार्रवाई नहीं होती तो फिर आगे की ऑप्शन हमारे लिए खुले हुए हैं, सारे रास्ते हमारे लिए ओपन रहेंगे। चूँकि हमने जो एविडेंस थे वो भी दे दिए और धीरेन्द्र शास्त्री ने अलीयन वलीउल्ला कहने वाले धर्मगुरुओं को चैलेंज किया था, तो अलीयन वलीउल्ला कहने वाला एक बच्चा धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज करता है कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री 5 सवाल के जवाब उनके सामने सवाल रख दिए जाएं तो जवाब नहीं दे पाएंगे, बाबागिरी उनकी छुड़वा देंगे वो बच्चा। 5 सवालों के जवाब, ये वो बच्चा चैलेंज कर रहा है और मैं भी कहता हूँ कि उस बच्चे का जवाब नहीं दे सकते। आपको बताते चले कि मौलाना नकवी ने चुनाव आयोग और भारत सरकार से धीरेन्द्र शास्त्री को गिरफ्तार करने और उस पर कार्रवाई करने की मांग की है। चौक थाना प्रभारी नागेश उपाध्याय ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है, जिसके बाद थाना कोतवाली से मौलाना सैफ अब्बास नकवी व उनके साथ आए अन्य लोग थाना कोतवाली से वापस चले गए।
आपको बता दें कि मौलाना सैफ अब्बास नकवी के साथ थाना कोतवाली में मौलाना मुस्तफ़ा अली खान, मौलाना शफीक आबदीन, मौलाना कमरुल हसन, मौलाना आसिफ सेतली आदि लोग मौजूद रहे। मौलाना नकवी के साथ कई मुस्लिम संगठनों के सदस्य इस आरोप को लेकर चौक थाना कोतवाली पहुंचे। आपको बता दें कि मौला अली की शान में गुस्ताखी करने के बाद मुस्लिम समाज में धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ बढ़ रहे आक्रोश को देखते हुए बाबा धीरेन्द्र शास्त्री माफ़ी मांगने लगा। माफ़ी मांगने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर वायरल किया गया। वीडियो में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि उनका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, हम क्षमा मांगते हैं। तो आइए देखते हैं वह वायरल वीडियो। मैं तो सम्मान से कहता है, लेकिन एक जो वीडियो वायरल हो रहा है मौला अली के खिलाफ, आपका सत्य या असत्य क्या है इसकी वीडियो की बात? बिल्कुल बेझिझक आपने जो पत्रकार महोदय पूछा कि सनातन धर्म सबका सम्मान सिखाता, बेझिझक हम इसके साथ हैं और कभी भी हमने किसी भी धर्म मजहब के खिलाफ नहीं बोला। जो सनातन धर्म के विरुद्ध या सनातन धर्म के खिलाफ में साजिशें होती उन पर चर्चा की, सनातनियों को जगाने की चर्चा की, हम कभी किसी की बुराई नहीं करते, ना किसी भी मजहब की बुराई करते हैं। और आप कैसी बात करते हैं, देखो ये जो मौला अली वाली चर्चा है, ये दरबार में कोई जिन्न आया था, उसने उस जिन्न ने कहा कि मेरा नाम अली है, तो हमने कह दिया कि अगर तुम्हारा नाम अली है तो हमारे पास बजरंग बली है। इस बात को मौला अली से जोड़ दिया, जो सरासर षड्यंत्र है, दुष्प्रचार है, और हम कभी भी किसी भी मजहब के भगवान, किसी भी धर्म गुरु के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। हमारे मन में सबके प्रति श्रद्धा है, सबके प्रति सम्मान है। मौला अली के बारे में हमने जितना पढ़ा समझा, वो अहिंसा के पुजारी है। इस वीडियो को मौला अली से जोड़ा जो चूंकि दुष्प्रचार है, और इसके लिए अगर किसी को दुख पहुंचा, हमें खेद है, मन में हमारी भी भावनाएं दुखित हैं, हमको भी दुख हुआ कि इस प्रकार से नहीं जोड़ना चाहिए। उनके भगवान भी उनके लिए सर्वोपरि हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके लिए अगर किसी को ऐसा लगता तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, परंतु मौला अली के लिए हमने ऐसा नहीं कहा, वो तो अहिंसा के पुजारी है। एक जिन्न कोई नाम रख लेता, जिन्न में फलाना हूं, मैं ढिकाना हूं, एक उस बुरी ताकत के खिलाफ जो बुरी शक्ति थी, नकारात्मक ऊर्जा थी, वो आई थी किसी के बॉडी पर, वह चर्चा कर रही थी, तब हमने कहा कि ऐसा नाम नहीं लेते हैं, और हमने फिर कहा कि बजरंग बली। तो हम सबको यही कहेंगे कि वीडियो का दुष्प्रचार ना करें, और आपको भी कहेंगे पत्रकार महोदय कि हम कभी भी किसी के भी खिलाफ नहीं है, न रहेंगे। हमारे प्रति, हमारे हृदय में सबके प्रति सम्मान है, सभी मजहब के प्रति सम्मान है, सभी मजहबों को ईश्वर के प्रति सम्मान है। हम तो केवल अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, इसलिए किसी को भी दुख पहुंचा, पुनः पुनः क्षमा।